सो गाइस आज हम पहुंच गए अबू धाबी मैं पता ना कौन सा साउंड आना है इसमें थ्री टू वन स्टार्ट सो गाइस अभी अभी हम दुबई सिटी मॉल में आए हैं ये गाइस हमारा ग्लोबल विलेज जाने का प्लान नहीं है अभी हम सोच रहे हैं तो हम ग्लोबल आज हम पहुंच गए हैं अबू धाबी यहाँ पर अभी हम आए हैं 360 व्यू देखने यहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू दिखाएंगे सो गाइस मैं दिखता भी करना चाहता हूँ कि हमारे पास लोग भी आ गए आपको भी दिखाते हैं स्टे ट्यून्ड बने रहिए यूरो अच्छा सो गाइस हम अब आज का पहला खाना खा रहे हैं देखा जाए तो बाहर का सुबह तो ब्रेकफास्ट किया था और हमने फलाफल क्योंकि हम दो तीन वेजिटेरियन बंदे हैं यहाँ पर तो फलाफल ऑर्डर किया है पर इन्होंने क्या तुम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है असी शर्मा प्लेट सो चिकन है ना यहाँ की थोड़ी हमें सजेस्ट किया था ये FNB रेस्टोरेंट टाइप नाम करके नाम है रेस्टोरेंट नाम मैं कह रहा हूँ मैं इस बंदे ने हमें सजेस्ट किया था और लेट्स सी कि कैसा होता है खाना तो गाइस फलाफल हमने ऑर्डर किया था देयर यू गो हमारा फलाफल इधर आ गया है अब देखते हैं खा के तुझे कैसा लग रहा है सही है अच्छा है यहाँ पर हमने एक नई चीज़ नोटिस करी है कि हमने पूरे यूरोप में अगर आप खाते हो वहाँ पर आपको चॉइस नहीं देते कि आपको कौन सा ब्रेड चाहिए इनका नीचे उन्होंने पूछा था कि दो टाइप्स के यहाँ पर ब्रेड मिलेंगे और जिस लड़के ने हमें सजेस्ट किया था उसने एक्स्ट्रा कहा था कि ये वाला शजाम ऐसा कुछ करके ब्रेड यूज़ आप उनको बोलना तो उनको हमने ये कहा था लेट्स सी यू कैन सी द फलाफल इन इट नॉट बैड नाइस दिखाना ओह यस लुक्स गुड लुक्स गुड ना जिस हिसाब से हमने इस पे खाना मिला हमें लगा नहीं था कि इतना स्वाद होगा बट खाने के हिसाब से स्वाद है ऑन द गो है ना अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई हुई थी हाँ तो हमने कहा चलो उसके बाद दुबई भी जाना है वापस अब दुबई पे हैं इस टाइम और बस खाओ और निकलो बस ठीक है But that was actually really good. Kamal bhai, how did you eat the food? Bas, yehi bolta hai. Reaction bolta hai. Hun jaan de. Khaan de mainu. Ha, khaan do. Kar le record. Coke bahut acha hai. Thanda hai. So guys, khana humne kha liya hai.
और खाना स्वाद का था कह सकते हैं, मतलब कि हर किसी को स्वाद का नहीं मिला, किसी की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से किसी की कम थी। ये देखो हमारे भाई ने काफ़ी छोड़ भी दिया क्योंकि उनको स्वाद नहीं लगा, बट हमने एज वी ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग शेयर करके खा लिया। अभी थोड़ी यहाँ पर बीच साइड है, यहाँ पर अबू धाबी पे बीच वगैरह देखेंगे, उसके बाद थोड़ा कुछ ड्रिंक्स पीने जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे बैक टू दुबई और वहाँ पर आज को दिखाते हैं आपको बुर्ज खलीफा और रात में हम क्या खाना खाते हैं। शायद हम कुछ मैक्सिकन या लेट्स सी कि क्योंकि इंडियन हमने कल खा लिया था, अब देखते हैं कि आज हम क्या खाते हैं। सो दिखाते हैं आपको, चलो प्लीज़। सो गाइस अब हम यहाँ पर एक डेजर्ट खाने के लिए आए हैं, डेजर्ट खाने के लिए आए हैं। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं था, अभी खाना खा के आए हैं और देखा तो मूड बन गया। सो हमने डोनट्स यहाँ पर ऑर्डर किए एंड ऑल्सो सम कॉफीज, जो देखते हैं। उसके बाद ठंड भी होगी काफ़ी, आप देख सकते हो वहाँ बहुत ठंड है, कैसे पाल्म ट्रीज यहाँ पर हिल रहे हैं। एंड अभी सिर्फ 5:30 बजे हैं और अंधेरा भी होने लग गया, बट या द वेदर इज स्टिल गुड। सो गाइस हमारी कॉफ़ी और डोनट्स आ गए हैं, लेट्स ट्राई दिस। आपने क्या लिया, कैपुचिनो लिए? ये यहाँ पर कैपुचिनो बनी जा रही है, ये हम है और क्या। और कार्मेल बहुत स्वाद है, कॉफ़ी बहुत मजे की है। हमारे पास क्या कहते हैं डोनट्स भी कार्मेल के साथ है, दो वाले चीज़ केक भी है और रेड वेलवेट केक भी है। सो लेट्स ट्राई दिस, आगे देखते हैं। प्रेशर नाइस चॉकलेट स्वाद है, नाइस स्वाद। आप लोग भी करो भैया, अपना खाओ, चलो खाओ खाओ। हाँ चीज़ केक अच्छा लग रहा था, कैसे लगी? मजे के वीडियो बनाओ इनकी, वो कुछ कह रहे थे भाई देखो हम सारे मजाक करते हैं आपस में, आपके लिए भी थोड़ा सा हम बता दें, ये जो भाई हैं बहुत अच्छे हैं। मैं पता ना कौन सा साउंड आना है इस पे। सो गाइस हम दुबई में दोबारा आ चुके हैं वापस, दो हमारा अबू धाबी का जो ट्रिप था बहुत अच्छा रहा, खाना पीना खाया हमने, हम वहाँ पर बिल्कुल ऊपर गए थे देखा था, अब यहाँ पर पैक आ गए हैं और अब आए हम दुबई के सबसे बड़े मॉल में। यहाँ जो पब्लिक तुम्हें मिलेगी इतना पूरा भर रखा है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, कोई जगह नहीं है यहाँ पर, इतने लोग हैं। पार्किंग हमें आधा घंटा पार्किंग में लग गया कि पार्किंग मिल जाए, और अब यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए हैं, देखते हैं यहाँ पर कि वाकई ऐसा है कि आपको एप्पल के फ़ोन सस्ते मिलते हैं, गोल्ड आपको सस्ता मिलता है कि नहीं, वो देखते हैं। और कुछ खाते पीते भी थोड़ा सा छोटा मिठाई हो जाए, ठीक है ना। चलो गाइस आपको दिखाते हैं, चलो आ जाओ। सो गाइस अभी हम दुबई सिटी मॉल में आए हैं और यहाँ पे सच्ची में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अभी हम देखते हैं, हमें कम से कम यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए क्योंकि मॉल सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको यहाँ पे हर ब्रांड का शोरूम मिलेगा। और अभी हम देखते हैं अभी हमें क्या क्या सस्ता मिलता है, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे आगे। ओके गाइस
So दोस्तों इस टाइम हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन दुबई बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने आप देख सकते हैं. इट इज जस्ट इनक्रेडिबल. मतलब कि जो ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त. अभी हम ये शॉपिंग सेंटर से आए हैं, ये दुबई मॉल है. हम पिछले 3 घंटे से यहाँ पर घूम रहे थे और 3 घंटे में भी पूरा नहीं हुआ है. अभी सिर्फ हमने सिर्फ एक एक बैग लिया शॉपिंग करने के लिए. यही हमारे से हो सका था 3 घंटे में. इतना जो फेमस चीज़ है दुबई की वो सबसे पहले हमने लिया. हमने कहा परफ्यूम तो ले लें जो सबसे फेमस है यहाँ के. हाँ कौन सा लिया परफ्यूम? ये वही तो पूछ लिया यार, वही तो पूछ लिया हमसे. मैं ये तो बता दे लिया केड़ा है, वही तो पूछ लिया. फंस गए तो भी केड़ा ले आए. हाँ हमें देखो, हम पता है पैसा इतना देखते नहीं है हम. उसने कहा था ये अच्छा तो ले लिया. सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं अब हमारा डे काफी अच्छा स्पेंड हो चुका है. विपुल इधर आओ, विपुल विपुल इधर आओ, इधर आओ विपुल. ये देखो ये क्या खरीदा है हमने. ये इसने ये खरीदा है. हम ये 3 बोतलें हम ये लेके घूम रहे हैं. और ये देखो, ये गाइस आप ये देखो, ये अम्मार की बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है. यहाँ पे आप यहाँ पे देखा है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. ये उसकी बिल्डिंग नहीं है, ये वो शेख है जिसका आधा दुबई है, आधे से भी ज्यादा ऑलमोस्ट सारा. ओके और अब हम जाने वाले हैं खाना खाने. ठीक है ना, खाने से पहले आपको दिखा दें ये वो जगह पीछे हमारे, ये वो जगह हमारे पीछे जहाँ पे वाटर शो होता है. आई थिंक हमने विकी आ गया थोड़ा सा और आ गया और आ गया और बस थोड़ा सा उस तरफ हो अंदर को अंदर को. हाँ उसका भी दिखा दो पॉज. इधर देख विक्की. बुर्ज खलीफा उतर रहा है, मकान देख रहा हूँ. एक कदम मैंने उतरता है यार. So guys, रात के 2 बज चुके हैं. अभी हम यहाँ पिज्जा हटाए हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम. और ये मान सकते हैं कि हम 4 घंटे से ऊपर हो गए इस मॉल में घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इस मॉल को पूरा कवर नहीं कर पाए. इससे आप समझ सकते हो कि ये मॉल कितना बड़ा होगा. तो हमने फिर कुछ खाने के लिए ढूंढा, मैक्सिमम चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी हम पिज्ज़ा हटाए हैं. तो पिज्ज़ा हट में भी सिर्फ टेक अवेज था. तो अभी हम बाहर आके यहाँ बैठे हैं. तो हमने देखो खाना ऑर्डर कराया, पिज्ज़ा और पास्ता. सब ने अपना आधा चिकन ऑर्डर हुआ है और आधा वेजी पिज्ज़ा ऑर्डर हुआ है. और अभी हम इसको खाने के बाद सीधा होटल जाएंगे. और मैं डेरा बार बाद में क्या कहते हैं आइसक्रीम, हमारे एक कहते हैं दोस्त का शौक था कि उन्होंने आइसक्रीम खानी है बाद. हाँ फिर हम डेजर्ट खा के उसके बाद होटल जाके कल आपको दिखाते हैं. हमारा कल प्लान है जाने का ग्लोबल विलेज. अरे अभी नहीं बताना, स्टे ट्यून्ड बताएंगे. कमेंट करो हम कहाँ जाना चाहिए, बताओ बताओ. हाँ गाइस हमारा ग्लोबल विलेज जाने का प्लान नहीं है, अभी हम सोच रहे हैं. तो ओके गाइस मिलते हैं फिर आपको डेजर्ट खाने के बाद. मिलते हैं डेजर्ट खाते हुए.